The human physiology lectures. Today we are going to study about neuron या nerve fiber. आज हम neuron के बारे में पढ़ेंगे. So basically, it's a structural and functional unit of nervous system. Nervous system की structural और functional unit है और हमारे CNS में 10 to the power 11 neurons से भी ज़्यादा present होते हैं nerve fiber. प्राइमरी फंक्शन इसका क्या होता है, रिसीव करना वेरियस स्टिमुलाई और उन स्टिमुलाई को रिसीव करके ट्रांसमिट करना सिग्नल को अदर न्यूरॉन्स को या टिश्यूज़ को. तो बेसिकली स्टिमुलाई का ट्रांसपोर्टेशन करना, रिसीव करना और उसके बाद ट्रांसमिट करना. अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो हम क्या मेंशन करेंगे कि न्यूरॉन्स आर आइडेंटिफाइड एज एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज दे हैव द एबिलिटी to be electrically excited, resulting in generation of action potential. यानि neurons वो identified cells हैं जो excitable होती हैं because क्योंकि वो जो ability रखती हैं signals को receive करने की, उसको action potential language या electrical language में convert करके अपने signals को दूसरे tissues या दूसरे neurons को वो ट्रांसमिट करने की क्षमता रखते हैं. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. आप इसमें देखें कि इसको बेसिकली तीन मेन पार्ट में बांटा गया है. तो फर्स्ट इज सेल बॉडी और सोमा, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज एक्सॉन एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टर्मिनल बटन्स. तो जब हम सेल बॉडी सोमा में बात करते हैं कि इसके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जो उसकी सेल बॉडी होती है उसमें डिफरेंट टाइप के इस तरीके से ये आउटगोइंग से स्ट्रक्चर्स बाहर मेंशन होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स. तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं बेसिकली इनका फंक्शन होता है सिग्नल्स को रिसीव करना. इसके अलावा दूसरे सेल्स की तरह इसमें अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गॉल्गी एपरेटस होता है, न्यूरोफिलामेंट्स होते हैं और इसके अलावा इसमें स्पेशल तरीके के ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं निस्सल ग्रैन्यूल्स. और ये निस्सल ग्रैन्यूल्स जो है वो सेल बॉडी में सोमा में होते हैं, कुछ पार्ट में ये डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्सॉन हेलियोक और एक्सॉन की लेंथ में ये एब्सेंट होते हैं. तो इसके बाद जब ये सोमा है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होती है, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीओल, ये एब्सेंट होता है जिसकी वजह से जो न्यूरॉन है वो अपना वापस से रीजेनरेशन नहीं कर सकता, ठीक है, माइटोसिस नहीं कर सकता. अब ये जो सोमा है ये कंटिन्यूशन में आगे एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के साथ कंटिन्यू हो जाती है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्सोन, ठीक है. दिस इज एक्सोन, वो पार्ट जहाँ सोमा एक्सोन के साथ जॉइंट होती है या मिक्स होती है उसे हम बोलते हैं इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सोन या एक्सोन हिलियक. ओके, अब माइलिनेटेड फाइबर्स जो होते हैं वहाँ पे एक्सोन के ऊपर एक माइलिन शीथ होती है. माइलिन शीथ जो होती है उसमें श्वान सेल होती है. श्वान सेल्स की व्रैपिंग से और सिक्रेशन से ये माइलिन शीथ एक्सोन के चारों तरफ व्रैप हो जाती है. तो जहाँ जहाँ ये सेल है वहाँ वहाँ ये चारों तरफ व्रैप अराउंड द एक्सोन करती है, लेकिन बीच में तकरीबन एक माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे ये एब्सेंट होती है और उस डिस्टेंस पार्ट को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियो. माइलिन शीथ के बाद ये एक्सोन जिस कंटिन्यूशन में जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनल बटन्स. ये टर्मिनल बटन्स जो होते हैं इन्हें सिनैप्टिक नोब्स भी कहते हैं. और फाइनली ये वो पार्ट है जो किसी दूसरे न्यूरॉन से या टिश्यू से साइनेप्स करने के काम आता है. तो यहाँ से यानी डेंड्राइट से ये सिग्नल को रिसीव करते हैं और अपने टर्मिनल बटन से ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं. जैसा कि इसके डेफिनेशन में बताया कि ये एक एक्साइटेबल सेल है जो कि इलेक्ट्रिकली एक्शन पोटेंशियल डेवलप करके, और ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ डेवलप होता है, ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है एक्सॉन हिलियक और इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सोन में, ठीक है. अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइबिंग वे में पढ़ते हैं, ठीक है. तो सेल बॉडी सोमा, इसे हम पेरिकैरियन भी कहते हैं, मे बी राउंड, स्टीलेट, पिरामिडल और फ्यूजीफॉर्म शेप की हो सकती है. इसमें साइटोप्लाज्म होता है
और अदर प्रिंसिपल कंसिस्टेंट्स जो होते हैं वो सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है जो वन होता है और मेनली उसकी जो पोजिशन होती है वो सेंट्रल में होती है और वन और टू न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। इसमें कोई सेंट्रोसोम नहीं होता, यानी इसमें कोई भी माइटोसिस की एबिलिटी नहीं होती, नो एबिलिटी फॉर डिवीजन। न्यूरॉन्स वंस डिस्ट्रॉयड आर रिप्लेस्ड बाय न्यूरोग्लिया ओनली। अगर किसी वजह से न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं तो न्यूरोग्लिया सेल्स जो होती हैं केवल उसके थ्रू रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। साइटोप्लाज्म कंटेन्स, जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं निसल बॉडीज या निसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इस पर कई बार शॉर्ट नोट्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस। कि ये बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं कंपोज्ड ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टडेड विथ राइबोसोम्स एंड पॉलीसोम, यानी ये हेल्पफुल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस और न्यूरोट्रांसमीटर के सिंथेसिस में, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। ऑल्सो प्रेजेंट इन डेंड्रॉइड्स, तो डेंड्रॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं, सोमा में तो होते ही हैं, बट एब्सेंट फ्रॉम एक्सोन हिलियक एंड एक्सोन। ठीक है, इसके आगे से ये एब्सेंट होते हैं, यानी केवल इस बॉडी पार्ट में ही ये प्रेजेंट हो सकते हैं, इस यहाँ एक्सोन की ओवरऑल लेंथ लेकर एंड पार्ट तक ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। निसल बॉडीज व्हेन डिसइंटीग्रेट इनटू फाइन डस्ट, किसी भी वजह से कोई भी डिस्ट्रक्शन हो, कोई ट्रॉमा हो जिसकी वजह से निसल बॉडीज जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, टूट जाए फाइन डस्ट में एंड फाइनली डिसअपेयर और ऑन फटिग, और किसी भी नर्व के फटिग होने पे वो डिसअपेयर हो जाए ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सर्टेन पॉइजंस ऑन और सेक्शनिंग ऑफ द एक्सोन, दिस कंडीशन इज नोन एज क्रोमैटोलाइसिस। यानी क्रोमैटोलाइसिस क्या होता है, निसल बॉडीज का डिसइंटीग्रेट होना फाइन डस्ट में, दिस इज नोन एज क्रोमैटोलाइसिस। नेक्स्ट इज न्यूरोफिब्रिल, इट्स कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोटिब्यूल्स। तो बेसिकली ये सेल बॉडी या सोमा का स्केलेटन बनाने में हेल्प करते हैं, यानी उसका जो भी आकार है वो इन फिलामेंटस और ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर्स के थ्रू सेट होता है। वेन न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन गेट अल्टर्ड, और अगर न्यूरोफिलामेंट्स के प्रोटीन किसी भी वजह से अल्टर्ड हो जाए, चेंज हो जाए, नॉर्मल हो जाए, जैसा कि अल्जाइमर्स डिसीज में देखा जाता है, तो दे फॉर्म न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, और इसमें टैंगल्स में क्या होता है कि इनकी जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है या ट्यूब्यूल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑल्टर्ड हो जाती है क्योंकि प्रोटीन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है पिगमेंट ग्रैन्यूल्स, इसमें कई बार इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। पिगमेंट ग्रैन्यूल्स ये सिर्फ कुछ न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि हम एग्जाम्पल में आपको बताते हैं कि सब्सटेंशिया नाइग्रा, न्यूरॉन्स ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा, जब आप CNS में पढ़ेंगे बेसल गैंग्लिया, तो बेसल गैंग्लिया के 5 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो ये सब्सटेंशिया नाइग्रा के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें न्यूरोमेलानिन एक पिगमेंट ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से कुछ एजिंग न्यूरॉन्स होते हैं उनमें अलग तरीके का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं लाइपोफ्यूसिन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं कि पिगमेंट ग्रैन्यूल्स किस तरीके के न्यूरॉन्स में मिलते हैं, कोई एग्जांपल दीजिए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज डेंड्रॉइड्स, अबाउट 10,000 डेंड्रॉइड्स पर न्यूरॉन इन CNS, केवल एक न्यूरॉन के ऊपर जो है तकरीबन 10,000 जो है डेंड्रॉइड्स तक मिल जाते हैं। तो इनका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, और ये डेंड्रॉइड्स जो होते हैं ये रिसेप्टिव जोन होता है। इसे क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव जोन। रिसेप्टिव जोन मतलब जो कि ट्रांसमिट, जो कि सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। मल्टीपल स्मॉल ब्रांच प्रोसेस होते हैं, निसल ग्रैन्यूल्स और न्यूरो फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, दे एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेल बॉडी, इस सेल बॉडी के बाहर की तरफ, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ फैले हुए होते हैं, एंड आर्बोराइज एक्सटेंसिवली टू एड टू देयर रोल इन, और अपना अपने आप को इस तरीके से रखते हैं बिखेर के कि इनका जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है कि सिग्नल्स को रिसीव करना वो प्रॉपर तरीके से हो पाए, रिसीविंग इनकमिंग सिग्नल्स, प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू द सोमा ऑफ द न्यूरॉन, और ये रिसीव करके यहाँ से इंफॉर्मेशन सोमा के पास ट्रांसमिट करते हैं। सोमा यहाँ से इंफॉर्मेशन को इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सोन में ट्रांसमिट करती है, और इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सोन यानी एक्सोन हिलियक से आगे ये ट्रांसमिशन जो है टर्मिनल बटन्स तक जाता है।
Dendrites have dendritic spines that help in increasing the surface area. कुछ dendrites में dendrite spines पाए जाते हैं, ठीक है, spines यानी कांटे. तो ये basically ये spines क्या काम करते हैं, इनका function होता है surface area increase करना. जितना ज़्यादा उसका surface area होगा उतना ज़्यादा उसका receptive zone होगा. receptive zone मतलब जहाँ से उनको signal को receive करना है. तो ये जितना ज़्यादा होता है उतनी ही ज़्यादा area को वो signals को receive करने के लिए capable होता है, हो पाते हैं. अब हम बात करते हैं एक्सोन की. एक सिंगल लॉन्ग प्रोसेस होता है नर्व सेल में, लेंथ फ्यू माइक्रॉन्स टू वन मीटर. इसकी लेंथ जो है वो वैरी करती है, फ्यू माइक्रॉन से लेकर एक मीटर लंबे तक भी हो सकते हैं. अराइज फ्रॉम कॉनिकल एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी. कहाँ से अराइज होते हैं, जो कॉनिकल एक्सटेंशन होता है सेल बॉडी का वहाँ से ये अराइज होते हैं. ये जो पार्ट है यहाँ से एक्सोन अराइज हो गया, ये डेंड्राइट्स है, ठीक है. और इसे हम बोलते हैं एक्सोन हिलियक, इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सोन. निसर ग्रैनुल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं. इनिशियल सेगमेंट द पार्ट ऑफ द एक्सोन बिटवीन द एक्सोन हिलियक एंड द बिगनिंग ऑफ द माइलिन शीथ. तो ये इनिशियल सेगमेंट कौन सा होता है, जहाँ से सोमा स्टार्ट हो रहा है, एक्सोन स्टार्ट हो रहा है, सोमा एंड हो रहा है. तो एक्सोन हिलियक वो एरिया है जहाँ से एक्सोन की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है. तो बिटवीन द एक्सोन हिलियक एंड बिगनिंग ऑफ द माइलिन शीथ, और यहाँ से माइलिन शीथ जो है वह एक्सोन को कवर करना शुरू कर देती है, लाइक दिस. तो इनिशियल सेगमेंट जो है वो एक्सोन हिलियक और माइलिन शीथ के बीच वाला एरिया है, ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सोलिमम. सेल मेम्ब्रेन कंटिन्यू द लेंथ ऑफ द एक्सोन, जो कि एक्सोन के चारों तरफ, एक्सोन जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको एक्सोलिमा बोलते हैं, ठीक है. इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं. सिनेप्टिक नोड्स और टर्मिनल बटन्स. एक्सोन टर्मिनेट्स एट एंड बाय डिवाइडिंग इनटू अ नंबर ऑफ ब्रांचेस नोन एज प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स, ईच एंडिंग इन अ नंबर ऑफ सिनेप्टिक नोब्स दैट इज नोन एज टर्मिनल बटन्स और एक्सोन टेलोडेंड्रिया. क्वेश्चन इसके नाम से भी आ सकता है, क्वेश्चन सिनेप्टिक नोब्स भी पूछा जा सकता है. तो आपको मालूम होना चाहिए एक्सोन की फुल लेंथ में जहाँ लास्ट में एक्सोन ख़त्म होता है वहाँ पर एक्सोन कई ब्रांचेज में बढ़ जाता है आगे, और ये टर्मिनल बटन्स और सिनेप्टिक नोब्स कहलाते हैं. नेक्स्ट इज सिनेप्टिक नोब्स कंटेन माइक्रो वेसाइकल्स दैट कंटेन न्यूरो ट्रांसमीटर. और सिनेप्टिक नोब्स में जो वेसाइकल्स होती हैं उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, लाइक दिस. तो ये बटन होते हैं, यहाँ पे वेसाइकल्स होती हैं. इन वेसाइकल्स में क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है. ये डेंड्राइट्स होते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर जब एक्शन पोटेंशियल राइज होकर यहाँ से टर्मिनल बटन्स तक आता है तो ये वेसाइकल्स यहाँ पे बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज हो जाता है. अब इसमें है माइलिन शीथ, क्योंकि एक्सोन के जो एक्सोन्स में माइलिन शीथ होती है तो माइलिन शीथ प्रेजेंट अराउंड द एक्सोन, सो नोन एज माइलिनेटेड फाइबर्स. जिन फाइबर्स के चारों तरफ ये माइलिन शीथ होती है उन्हें हम बोलते हैं माइलिनेटेड फाइबर्स या माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. माइलिनेशन इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन. माइलिनेशन जो है वो स्पीड ऑफ कंडक्शन यानी एक्शन पोटेंशियल की जो कंडक्शन है उसको बढ़ा देता है. क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि ये जो नोड्स ऑफ रेनवियर हैं, एक्शन पोटेंशियल जो है इट्स माइलिन शीथ के ऊपर इंसुलेटेड होता है. तो ये क्या करता है, इसके ऊपर से ऐसे कूदते हुए जाएगा, तो जो भाग के जाएगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी बजाय कोई चल के जाए. लाइकवाइज ये माइलिनेशन जो है स्पीड को इंक्रीज करने का काम करता है. श्वान सेल, अभी माइलिन शीथ कैसे बनती है, श्वान सेल से बनती है. माइलिन शीथ कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन लिपिड कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लियल सेल्स नोन एज श्वान सेल्स. और श्वान सेल्स में ये श्वान सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती है. ये देखिए ये श्वान सेल है और इसके सीक्रेशन से ये एक्सोन के चारों तरफ माइलिन शीथ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है. नेक्स्ट इज नोड्स ऑफ रेनवियर. सो श्वान सेल ईच, हर एक श्वान सेल
जो भी एक एक पार्ट पे श्वान सेल आपने अभी न्यूरॉन पे देखी प्रोवाइड्स माइलिन शीथ फॉर अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ एक्सोन। तो आप एक छोटी सी चीज़ देखिए कि जो श्वान सेल है वो जो माइलिनेशन कर रही है वो कंटिन्यूएशन में नहीं है, पहले यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है। तो हम बोलेंगे ईच श्वान सेल जो कि आगे की तरफ अपनी तरफ एक्सोन पे चारों तरफ माइलिनेशन कर रही है, जंक्शन ऑफ टू सच सेगमेंट्स ऑफ द शॉर्ट गैप, और उन दोनों शॉर्ट गैप जो जंक्शंस हैं जिसे हमने आपको पहले ही बताया कि जब ये दो माइलिन श्वान सेल यहाँ माइलिनेशन कर रही है, ये श्वान सेल इस एरिया में माइलिनेशन कर रही है, तो ये जो इसके बीच का जंक्शन है यहाँ माइलिनेशन नहीं होता, इसे हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। और इसमें ही प्रॉपर्टी होती है कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो इस तरीके से इसके ऊपर रन करता हुआ जाता है, तो उसकी स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। सो दिस इज नोड ऑफ रेनवियर। इससे रिलेटेड और ये कितने मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है, ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर डिस्टेंस होता है, ठीक है, 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे ये प्रेजेंट होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इस पार्ट से रिलेटेड, जैसे कि माइलिनेशन ऑफ एक्सोन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल के थ्रू माइलिनेशन होता है, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोग्लिया सेल से माइलिनेशन होता है। सपोर्टिंग सेल्स जो होती हैं वो ग्लियल सेल्स होती हैं, और ग्लियल सेल्स का जो नंबर होता है